नमस्कार दोस्तों, मैं आरके कुशवाहा, मंथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। बच्चों, आज के एग्जामिनेशन में आरएएस एग्जाम हो चाहे एलडीसी एग्जामिनेशन हो, रीट एग्जामिनेशन हो, पटवारी एग्जामिनेशन हो, एसएससी सीजी एग्जाम सीजीएल एग्जामिनेशन हो, एसएससी 10+2 हो एंड अदर एग्जामिनेशन में ढेर सारे सवाल साइंस से पूछे जाते हैं जिसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है एंड बायोलॉजी है। तो बच्चों, आज हम बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें हम कोई एक टॉपिक ले लेंगे, तो देखते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोलॉजी, हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। एक दार्शनिक थे जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने जीव विज्ञान शब्द दिया और लैमार्क व ट्रेविनस ने बायोलॉजी शब्द दिया। अब ये बायोलॉजी है दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर वन, वायो, और सेकंड है लॉजी। वायो का अर्थ होता है सजीव और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। अतः सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, जंतु विज्ञान, इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। और नंबर सेकंड, वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक हैं जो अभी बोला था, जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया वही हैं, अरस्तु। और इन्हें इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। तो ये तो बात रही बायोलॉजी और जीव विज्ञान। अब इसमें हम कोई एक टॉपिक ले लेते हैं जैसे कि जिसका नाम है विटामिन। इनसे जो क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले तो ये आता है विटामिन क्या होते हैं और इनकी डिस्कवरी किसने की है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके स्रोत क्या हैं और इनसे क्या क्या रोग होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं। यानी कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पाया जाता है उन्हें ही हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। 1881 में एनआई लूनिन व हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की। 1911 एंड 12 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फंक। न
मैंने चावल से विटामिन B1 की खोज की और इन्होंने ही विटामिन नाम दिया। बच्चों, कई बुक्सों में ये डेटा गलत दिया है, लेकिन हम आपको एक्चुअली सही बताएंगे। अधिकांश किताबों में क्या दिया है, विटामिन की खोज एनआई फंक ने की है, लेकिन वास्तविक जो आंसर है वो क्या है, एनआई लूनिन एंड हॉपकिंस। इन्होंने तो सिर्फ विटामिन B1 की खोज की है और इन्होंने विटामिन नाम दिया। अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, नंबर एक बी और सी, और नंबर सेकंड वसा में घुलनशील, ए है और डी है और ई है और के। तो इसका जो ए डी और के, इसका जो टिक है वो याद कर लो, कीड़ा, कीड़ा हिंदी में, इसको उल्टा लिखा तो के ई डी ए, यानी कीड़ा वसा में मौजूद है, यानी कीड़ा वसा, यानी वसा में चार विटामिन डिजोल्व रहते हैं एंड वाटर में बी और सी। वर्तमान में 20 विटामिन की खोज की जा चुकी है, इनमें से कुछ विटामिन निम्न हैं, जैसे सबसे पहले हमने फर्स्ट लिया जिसको कहते हैं विटामिन ए, इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, या इसे ही वीटा कैरोटीन कहा जाता है। यह विटामिन जो भी मांसाहारी पदार्थ हैं उनमें मछली के यकृत में पाया जाता है और शाकाहारियों में गाजर में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा जितने भी पीले फल होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, दूध, अंडा है, इसमें भी पाया जाता है। यह विटामिन हमारे आंखों की क्रियाशीलता को मजबूत करता है। हम जानते हैं कि हमारी आंखों में सलाखाएं, इनको रॉड्स कहते हैं, पाई जाती हैं। इनका जो काम है अंधेरे और प्रकाश में अंतर करना, अब हमने कहा जो विटामिन ए है हमारे अंदर एक रसायन बनाता है जिसको कहते हैं रोडोप्सिन, रसायन बनाता है यही रसायन इन सलाखा कोशिकाओं को मजबूत करता है। जब सलाखाएं मजबूत हो जाती हैं तो हम तुरंत ही अंधेरे प्रकाश में अंतर कर लेते हैं। जब रोडोप्सिन रसायन नहीं बनता है तो हमारी सलाखाएं कमजोर हो जाती हैं, तो दिन में ही अंधेरा नजर आता है, तो इसे ही रतौंधी रोग कहते हैं और इसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंड नेस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रतौंधी रोग में आंखों में सलाखाएं कमजोर हो जाती हैं। नंबर सेकंड दूसरा रोग क्या होता है, जीरोपैथेलेमिया होता है। जीरोपैथेलेमिया क्या होता है, आंख की जो कॉर्निया होती है यह शुष्क हो जाती है, कॉर्निया शुष्क हो जाती है जिससे आंख छोटी रह जाती है, आंख में जो उत्तल लेंस है वो भी छोटा रह जाता है, इसी को हम जीरोपैथेलेमिया रोग कहते हैं। नंबर थर्ड रिनोडर्मा रोग है। रिनोडर्मा क्या होता है, शरीर की त्वचा है शुष्क हो जाती है, नंबर फोर क्या है,
क्रेटो मलेशिया, क्रेटो मलेशिया रोग में क्या होता है, आंखों के आसपास स्किन ब्लैक हो जाती है पूरी, इसी को कहते हैं क्रेटो मलेशिया। अतः यह विटामिन अनेक रोगों से बचाता है, इसलिए इसे एंटी संक्रमण विटामिन भी कहा जाता है। एंड इसके अलावा जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों के यकृत में यह विटामिन संचित रहता है, सभी जीवधारियों के यकृत में यह संचित रहता है। तो फर्स्ट बात हो गई विटामिन ए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों विटामिन बी वन। इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। और ये विटामिन मोस्टली शाकाहारी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनमें तो कम होता है, लेकिन मांसाहारियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह विटामिन हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, हमारी जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनमें यह सहायक होता है। जब इस विटामिन की कमी हो जाती है तो वेरी वेरी रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, हाथ पैर में जलन महसूस होती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और उदासीन रहता है व्यक्ति, इसे ही बेरीबेरी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों विटामिन V2। जिसको राइबो फ्लेविन कहा जाता है, दूध मीट अंडा हरी सब्जियां में यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और यह विटामिन हमारे अंदर RBC का निर्माण करता है एंड हमारी जो त्वचा है को स्वस्थ रखता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो जीभ पर छाले बन जाते हैं। नंबर सेकंड, धीरे धीरे ओठ फट जाते हैं, इसे किलोसिस कहा जाता है। इसके अलावा व्यक्ति कम आयु में ही अधिक आयु का लगने लगता है, अतः इसे ही असमय बुढ़ापा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों विटामिन B3 और इसका रासायनिक नाम है नियासिन। और इसके अनेक नाम हैं, जैसे कि निकोटिनामाइड भी है, निकोटिनामाइड, निकोटिनिक अम्ल भी है या विटामिन PP भी कहते हैं। PP का अर्थ होता है पेलाग्रा, पेलाग्रा
प्रीवेंटिव, पहला ग्राफ प्रीवेंटिव विटामिन, यानी यह रोग हमें पेलाग्रा रोग से बचाता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो चर्म दाह, या इसे ही इंग्लिश में पेलाग्रा कहा जाता है, यानी शरीर की त्वचा है वो हट जाती है, बॉडी से हटने लगती है और स्क्रैच हो जाते हैं, इसे ही चर्मदाह रोग कहते हैं। अतः यह विटामिन हमें पेलाग्रा से बचाता है, इसलिए इसे पीपी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन V5। और इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनमें यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अंकुरित अनाज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें भी ये पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। बच्चों, यह विटामिन हमारी मांसपेशियां बॉडी में 639 होती हैं को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। जब इसकी कमी हो जाती है विटामिन की तो ये कमजोर हो जाते हैं और इससे ही लकवा, या इंग्लिश में कहते हैं पैरालिसिस। नेक्स्ट आता है विटामिन B6। जिसे पाइरिडॉक्सिन कहते हैं, यह विटामिन अधिकतर मांसाहारियों में होता है, लेकिन कुछ मात्रा शाकाहारियों में जैसे दूध है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें भी पाया जाता है। और इसका मुख्य काम क्या है, हमारे अंदर RBC के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस विटामिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया, या इसे ही रक्त क्षीणता या रक्त अल्पा कहा जाता है। नेक्स्ट आता बच्चों विटामिन B7 या इसे ही विटामिन H भी कहा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है वायोटिन। हरी सब्जियां, ताजे फल, दूध, मीट, अंडा में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और यह विटामिन हमारी त्वचा और हमारे बालों को स्वस्थ रखता है। जब इस विटामिन की कमी हो जाती है तो बाल गिर जाते हैं, जिसे गंजापन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों विटामिन B9 और इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, RBC का निर्माण करना। जब इस विटामिन की बच्चों कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। अतः हमें देखने को मिला एनीमिया विटामिन B2 की कमी से होता है, B6 कमी से होता है और B9 की कमी से भी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन B12
और इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनो कोबालामिन। साइनो कोबालामिन अधिकतर मांसाहारियों में ही पाया जाता है। जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनमें बिल्कुल नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में दूध में ये पाया जाता है। एंड इसकी अन्य विशेषता क्या है, इस विटामिन में कोबाल्ट धातु होती है जिसको CO60 कहा जाता है, पाया जाता है, और इसलिए इस विटामिन का प्रयोग कैंसर में किया जाता है। यह विटामिन RBC का निर्माण भी करता है और इन्हें स्ट्रॉन्ग भी करता है। जब इस विटामिन की कमी हो जाती है तो RBC कमजोर हो जाते हैं, RBC सिकुड़ जाते हैं और RBC का रंग चेंज हो जाता है। अतः इसकी कमी से प्राणघात एनीमिया या इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिनिशियस एनीमिया, या इसे ही कहते हैं पार्किंसन रोग कहते हैं। जो लोग मीट मदरा नहीं खाते हैं तो उनमें यह इस विटामिन की पूर्ति कहां से होती है? तो बच्चों इसकी नई विशेषता क्या है, हमारी आंत्र है इंटेस्टाइन के अंदर एक जीवाणु रहता है जिसका नाम है एस्चीरिया, एस्चीरिया कोलाई। Escherichia coli या शॉर्ट में इसको ई कोलाई भी कहा जाता है, ई कोलाई जीवाणु। इसका मुख्य रोल क्या है, हमारे अंदर यह विटामिन V12 का संश्लेषण करता है और हानिकारक जीवाणुओं को पनपने से रोकता है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड क्या होता है बच्चों, दूसरा बैक्टीरिया जिसको कहते हैं कॉलीफॉर्म जीवाणु, यह जीवाणु भी विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट विटामिन आता है B15, विटामिन B15 यह विटामिन, सॉरी इसका रासायनिक नाम पोगोनिक अम्ल। वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां, ताजे फल, इनमें पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा दूध, मीट, अंडा में भी यह पाया जाता है और यह यकृत संबंधी रोगों से बचाता है। जब विटामिन ए कम हो जाता है तो यकृत संबंधी कई रोग हो जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट अगला आता है बच्चों विटामिन B17। इसका जो रासायनिक नाम है वो है PAVA,
यानी अर्थात पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। यह विटामिन अभी तक जो डिस्कवरी हुई है सिर्फ और सिर्फ तरबूज में पाया जाता है, लेकिन देसी तरबूज में इसकी मात्रा पर्याप्त है और यह विटामिन हमारे अंदर कैंसर की कोशिकाओं को बनने से रोकता है, अतः हमारे लिए एक लाभदायक विटामिन है। बच्चों तो हमारा विटामिन का फर्स्ट पार्ट यहां होता है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। बच्चों यदि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और उसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, बाय।